भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू को एक बार फिर से डंप कर दिया है। जो 31 मेंबर डेलीगेशन दिल्ली से आ रहा है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स भी शामिल हैं और बड़े बड़े अधिकारी केंद्र सरकार के इसमें शामिल हैं, वो सिर्फ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कश्मीर में टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा देना इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वहां की रेल को, वहां की रोड कनेक्टिविटी को किस तरीके से इंप्रूव करना है इसके ऊपर चर्चा हो, कश्मीर के सिविल एविएशन को किस तरीके से बेहतर बनाना है इसके ऊपर चर्चा होगी, वहां की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है इसके ऊपर चर्चा की जा रही है, लेकिन जम्मू को एक बार फिर से नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली वालों का जहाज जो है वो सीधा कश्मीर में जाकर उतरता है, जम्मू वालों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। 370 के अबॉलिश होने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जम्मू के लोगों की रुसवाई हो रही है, अनदेखी हो, उनके साथ भेदभाव जो है वो बदस्तूर जारी। 370 के हटने के बाद जितने भी सेंट्रल टीम्स थी, चाहे वो एचआरडी की टीम थी, होम मिनिस्ट्री की टीम्स थी या दूसरे महकमा जात की टीम्स थी, वो कश्मीर में गई और वहां बड़े बड़े ऐलान जो है उन्होंने किए, स्कूल खोलने के, कॉलेज खोलने के, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के, मुलाजमत देने के, एमएसपी जो है वो कश्मीर में लागू की गई, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कश्मीर में लॉन्च की गई, वहां के सैफरन को, अखरोट को और जो एप्पल जो है उनको खरीदने के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया। यहाँ के नौजवानों तक की रुसवाई जो है वो बदस्तूर जारी है और कश्मीर का हिस्सा 90% से 100% तक जा रहा है मुलाजमत में, और जम्मू के नौजवानों की भी अनदेखी हो रही है। जिस तरीके से देखने को मिला फायर सर्विसेज की डिपार्टमेंट की लिस्ट हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो या वर्क सुपरवाइजर की हो, जहाँ 76 पोस्टें जो है वो कश्मीर को अलाट की गई हैं, जम्मू को एक भी पोस्ट नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक की सिलेक्शन लिस्ट को इसलिए क्वेश कर दिया गया क्योंकि उसमें जम्मू के ज़्यादा आ रहे थे। और अभी जो फैसला लिया गया है कि टीम जो है दिल्ली की टीम जो है वो सीधी कश्मीर में जाएगी, वहाँ के हालात का जायज़ा लेगी, वहाँ जो है इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए जो है वो मेजर्स देखेगी कि किस तरीके से वहाँ के ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जम्मू जिसने 25 सीटें और दोनों मेंबर पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, उसकी मुकम्मल तरीके से अनदेखी की जा रही है, जो पैंथर्स पार्टी को हरगिज गवारा नहीं है। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये रवैया आपको आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा और जम्मू के साथ साथी पैंथर्स पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम जम्मू के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आइए और पैंथर्स पार्टी के साथ मिलकर जम्मू के साथ जो भेदभाव है इस लड़ाई में शामिल हुई।